डियर स्टूडेंट, आज एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स में हम मेमोरी कॉन्सेप्ट और मेमोरी के यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने मेमोरी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। एक पार्ट ऑफ जो कंप्यूटर सिस्टम है, पर्टिकुलरली सीपीयू के अंदर मेन मेमोरी के फॉर्म में या सेकेंडरी मेमोरी के फॉर्म में जो एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी हम ऐड करते हैं, इसके बारे में हम इंट्रोडक्टरी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसी मेमोरी के कंसेप्ट को हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो आप सबको क्लियर है कि मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो एक तरह की स्टोरेज स्पेस होती है, जो दो मेन टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक तो डाटा स्टोरेज की और दूसरा जो प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत है इन सब के लिए, जिसको आप एक्टिव मेमोरी के पार्ट से के नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ये मेमोरी जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं और उन हर जिसको आप सेल्स कहते हैं, और हर सेल का एक अपना स्पेसिफिक एड्रेस होता है, लोकेशन होता है, उसका एड्रेस होता है, जो जीरो से लेकर के मेमोरी के साइज से एक कम तक जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ मेमोरी साइज है जो सेल्स में आप काउंट करते हैं, जब उसकी नंबरिंग आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो टोटल नंबर से एक कम आके रुकेगा, ठीक है? क्योंकि नंबर तो आप वन से काउंटिंग करते हैं, ये यहाँ पे आप जीरो से नंबरिंग कर रहे हैं, तो एक कम होगा, जो सेल्स होंगे उससे कम नंबरिंग आएगी लोकेशन। जैसे 64 जो है आपका, अगर के का कंप्यूटर है उतना वर्ड्स अगर कवर करता है तो उसमें लोकेशन कितने हो जाएंगे? 64 × 1024 टोटल 65536 लोकेशन हो गए, जिनका एड्रेस आप जीरो से लेकर के 65535 तक देंगे। यहाँ के जो 1000 आप यूज़ करते हैं उसमें ये क्वेश्चन रहता है कि हम 1000 ही क्यों यूज़ करते हैं, 1024 1000 क्यों नहीं यूज़ करते, 1024 क्यों यूज़ करते हैं? तो उसका सिंपल कंसेप्ट है कि आपका कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है और उसमें जो है हमेशा आप 2 raised to the power के फॉर्म में ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिटरमिन कर सकते हैं। सो 2 raised to the power 10 जो है वो आपका 1024 के बराबर होता है, इसलिए 1000 की जगह 1024 जो नियरेस्ट वैल्यू है इसी को कंसीडर करते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो ये एड्रेस क्लियर हो गया। अब मेमोरी, ये पता है कि एक तरह का क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है और ये मदरबोर्ड पे ही इंस्टॉल किया जाता है इसको, और कुछ जो सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप एडिशनल बाहर से ऐड कर सकते हैं। तो एंड ये आपके डाटा स्टोरेज और इंस्ट्रक्शंस को जो प्रोसेस करता है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें कि बिना मेन मेमोरी के तो कोई कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट हो ही नहीं सकता है या ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर ही नहीं सकता है। जो हमारा वर्चुअल मेमोरी होता है वो आपका क्लाउड बेस्ड या जो ऑनलाइन डाटा स्टोरेज हैं उन सब को इंक्लूड करता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे मेमोरी के कंसेप्ट हैं, स्वैपिंग, बफरिंग, पैगिंग, ब्लॉक्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंट, जिसके बारे में आपको नहीं यहाँ पे ज़्यादा जानना है, पढ़ना है। दो तरह के मेमोरी होते हैं कंप्यूटर में, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को भी आप मेन मेमोरी भी कह सकते हो, और ये रैम और रोम को कवर करता है। दो थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी भी कुछ जो पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़रूरत होता है, एक तरह से कह सकते हैं लिंकेज का काम करता है CPU मेन मेमोरी के बीच में, या मेन मेमोरी और आपके सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जो है लिंकेज का काम करता है। इसको कैच मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो रैम, रोम
सेकंड इंक्लूड करता है रैम, एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी हो गया. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. सेकेंडरी डाटा मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है. तो इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेन मेमोरी से या प्राइमरी मेमोरी से. सो ये बेसिकली उन डाटा को होल्ड करता है जो कि इंस्ट्रक्शंस बेस्ड और वर्किंग कंडीशंस में या एक्टिव फेज में आता है. इसमें इसकी कैपेसिटी थोड़ी लिमिटेड होती है क्योंकि मैक्सिमम जो है हम स्टोरेज के लिए रखते हैं, हार्ड ड्राइव में ले जाते हैं, और उतना ही एरिया या उतना ही कैपेसिटी हम रखते हैं मेन मेमोरी में जितना कि हमारे एक्टिव फेज में कंप्यूटर को ज़रूरी होती है. इसमें क्या होता है कि आपको सेव करते रहना पड़ता है, नहीं तो जो भी आपने इसमें टाइप किया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, वो सेव नहीं हो सकता है अगर पावर सप्लाई कट हो जाए तो. तो ये सेमीकंडक्टर का बना होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस का होता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन आप प्रोसेस करते हैं वो मेन मेमोरी में ही होता है. इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैम एंड रोम. रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपकी, हम पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं, जो पर्टिकुलरली वोलेटाइल नेचर की है और आपका जो है इसमें डाटा स्टोरेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपको सेव करने की ज़रूरत पड़ती है. सो ये दो तरह की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक काइंड ऑफ रैम. जो स्टैटिक रैम है वो पावर सप्लाई तक ही रहता है क्योंकि इसमें आपको कैपेसिटर नहीं इसमें होता है, जबकि इसकी ट्रांजिस्टर 6 नंबर है, हाई ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर. जबकि डायनेमिक में क्या है कि रेगुलर रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है अगर लॉस से बचाना है तो जो कंटेंट है, और इसमें 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर होता है. तो कैपेसिटर के कारण लिटिल बिट इसके अंदर रिटेंशन पावर होती है, बट रिफ्रेश करना ज़रूरी है. और डायनेमिक रैम जो है आपको कैच मेमोरी से में यूज़ किया जाता है. सो जो स्टैटिक रैम है वो फास्टर है और ज़्यादा एक्सपेंसिव है. रोम रीड ओनली मेमोरी जो है जिसमें आप कोई स्टोर करते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं मेमोरी को, इसको इसमें इंफॉर्मेशन को आपको रैम में लेके आना पड़ता है किसी भी तरह के एडिट करने के लिए. ये बायोस कंटेन करता है अपने अंदर, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और नॉन वोलेटाइल नेचर होता है एज अगेंस्ट द रैम. और ये 3 तरह का है, पी रोम, ए पी रोम, डबल ए पी रोम. ये बेस्ड है इरेजिबिलिटी के बेस पे. सो पी रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि आप ये इनबिल्ट आता है, ऑपरेटर जो है आपका मैन्युफैक्चरर खुद इसे इंस्टॉल करके देता है, इस पर आप एडिट करने की आपकी अथॉरिटी नहीं होती है. हालांकि आप इसको ब्लैंक खरीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद खुद आप टूल्स का, प्रोग्रामर टूल्स का यूज़ करके इस पर राइट कर सकते हैं, ये आपके ये दिस इज़ पॉसिबल. बट फिर आप ही उसके ऑथोराइज्ड पर्सन होंगे, दूसरा कोई फिर उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता है. इसके बाद आता है आपका ईपी रोम जो इरेजिबल पी रोम होता है. इसमें डाटा आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से अल्टर कर सकते हैं, बट कंप्लीट करना पड़ेगा, इसमें पार्ट वाइज नहीं हो सकता है. जबकि डबल ईपी रोम जो है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजिबल पी रोम जो है उसमें आप डाटा को पार्ट वाइज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज की ज़रूरत होती है, और 1 बाइट एट ए टाइम आप मॉडिफाई कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ इंटायर चिप. मेन मेमोरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर मेमोरी, और वोलेटाइल होता है और वर्किंग के लिए एसेंशियल है. फास्टर प्रोसेसिंग होती है एज कंपेयर्ड टू द सेकेंडरी मेमोरी, एंड विदाउट दिस एनी कंप्यूटर विल नॉट रन. सेकेंडरी मेमोरी जो है आपका एक्सटर्नल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, उसमें प्रोसेसिंग स्लो होती है. डाटा या इन्फॉर्मेशन इसमें आप परमानेंट स्टोर करते हैं, और इसमें सीपीयू डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता है. सीपीयू को एक्सेस करने के लिए आपको इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको मेन मेमोरी में थ्रू इनपुट आउटपुट रूटीन्स.
एंड देन यू कैन एक्सेस इट. सो इट इंक्लूड्स सीडी रोम डीवीडी एंड ऑल दिस थिंग्स. ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी कैन बी, इट कैन बी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल. मैग्नेटिक हो सकता है या ऑप्टिकल मेमोरी हो सकती है, जो राइट करने के लिए आप वे यूज़ करें. और बैकअप काइंड ऑफ मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल है और एज परमानेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप अगर स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो स्टोर्ड मटेरियल जो है हटता नहीं है. और कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ स्लोअर, रिलेटिवली स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी. इससे डाटा दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं, सिक्वेंशियल वे में और डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द नेचर. जैसे मैग्नेटिक टेप है तो इसमें वन बाई वन, लाइन बाई लाइन जा करके ही आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं. जबकि मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, इसमें आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर वर्ड या इन्फॉर्मेशन तक आप पहुँच सकते हैं. मैग्नेटिक टेप जो है उसमें सिक्वेंशियल होने के कारण उसमें मेजर थिंग है कि इसमें मैग्नेटिक कोटिंग होती है प्लास्टिक टेप पे और वन बाई लाइन बाई लाइन आपको मूव करना होता है. म्यूजिक कैसेट्स वगैरह इसका एक तरह का कह सकते हो एग्जांपल है, जिससे देख के आप समझ सकते हैं. उसी तरह का इसमें भी होता है, इसमें म्यूजिक मूवी और इन सब को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. जो मैग्नेटिक डिस्क होता है वो आपका हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क ये सब है, इसमें डाटा ऑटोमेटिक सेव होने लगता है और नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है. एंड इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए या स्टोर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह सब इसमें स्टोर कर सकते हैं. हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जो है आपका वो मेन, आप इंटरनल कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, एक्सटर्नली आप ऐड कर सकते हैं, इंटरनल मदरबोर्ड पे इसको ऐड किया जाता है. और इसकी एवरेज जो कैपेसिटी होती है 250 to 500 GB तक होती है. एंड फ्लॉपी डिस्क काफ़ी पुराना सिस्टम है, माइलर प्लास्टिक पीस होता है जो कोटेड होता है फेरिक ऑक्साइड से. और इस ड्राइव का साइज पहले 5 1/4 inch था, बाद में इसको 3.5 inch तक लेकर के गया गया. और आज के डेट में तो ये आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क वगैरह आ गए हैं, पेन ड्राइव आ गया है. सो फ्लैट ऑप्टिकल डिस्क जो है आपका फ्लैट सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क होता है, इसमें कोटेड विथ मटेरियल, ऑप्टिकल मटेरियल. सो बहुत पॉपुलर है, स्मॉल साइज होता है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. सीडी डीवीडी आजकल पॉपुलर है, यू कैन रीड एंड राइट डाटा हियर ऑल्सो. सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है उसकी साइज लगभग 80 मिनट्स तक होती है वीडियो रिकॉर्डिंग की और 700 MB मैक्सिमम सीडी की ये स्पेस होती है, बिट्स में स्टोर किया जाता है डाटा. एंड सीडी ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है इसको रन करने के लिए. और ये दो तरह का होता है, सीडी रोम और सीडी रीड और राइट. डीवीडी भी ठीक उसी तरह से है, डीवीडी का स्पेस कैपेसिटी 4.7 GB तक होता है. और डीवीडी ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है इसको रन करने के लिए. डीवीडी ड्राइव से आप सीडी ड्राइव भी रन कर, सीडी भी रन कर सकते हैं. और ये भी दो तरह का है, डीवीडी रोम हो गया या रीड एंड राइट काइंड ऑफ डीवीडी हो गया. थर्ड मेमोरी है वो है कैच मेमोरी. जनरली आप जब भी प्रोग्राम फाइल में एंटर करेंगे तो देखेंगे कैच कंपोनेंट्स उसमें पड़े होते हैं और इनको आप बार बार क्लीन भी करते हो, रिफ्रेश करना रहता है. ये बफरिंग का काम करता है, पहले ही बताया, एक तरह से लिंकिंग है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में. आपको मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करनी है तो भी इसकी ज़रूरत पड़ती है. ये फास्टेस्ट होता है औरों की कंपैरिजन में, बट काफ़ी कम स्पेस होता है इसके पास. तो द एडवांटेज ऑफ दिस कैच मेमोरी आर, एक तो फास्ट है रिलेटिवली इन कंपेरिजन टू द अदर. दूसरा चीज़ आ जाता है कि आपका लेस टाइम करता है कंज्यूम किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए और बहुत शॉर्ट पीरियड में आप एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट टेम्पररी यूज़ का होता है. मेजर प्रॉब्लम इसके साथ है कि बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो एज़ पर द कैपेसिटी एक्सपेंस बढ़ता जाता है.
तो ये सब था डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी। इसके बाद आपको यूनिट्स जानने होते हैं, तो आप रेगुलर यूज़ में रखे हो इन यूनिट्स को, आप जानते भी हैं, बस हम एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं उन पॉइंट्स को। स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है कंप्यूटर मेमोरी की वो है बिट, जो बाइनरी डिजिट से लिया गया है। एंड एट बिट्स मिल करके आपको वन बाइट बनाता है। एट बिट्स यहाँ पे इसलिए लिया गया क्योंकि 2 to the power 3, मैंने पहले ही बताया था कि बाइनरी सिस्टम में होता है, जिसके कारण 2 to the power में ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ किए जाते हैं इसमें। सो द फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 2 to the power 3 के फॉर्म में लेते हैं। 1 byte is equal to 8 bits। इसके बाद जितने भी के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी या जेड बी, वाई बी, ये सब हैं, इन सब में आपको 1024 bytes का ही 1024 ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रूप में आप यूज़ करते हैं। जो हाईएस्ट मेमोरी होती है वो है जीओप बाइट, राइट। सो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, और आप ये के बी, एम बी, जी बी और टी बी तक इवन आपके कॉमन यूज़ में है इस समय। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फॉर टुडे इट इज़ ऑल, थैंक यू।